कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा ठीक होंगे। अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ घर पे और फटाफट थोड़ा फ्रेश हुआ। फ्रेश क्या मतलब, कपड़ा मैंने चेंज नहीं किया, मैं वही कपड़ा पहनी हुई हूँ। थोड़ा सा मतलब फेस वॉश किया और अभी मैं जा रही हूँ, कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी अपने लिए भी और ऑफिस के लिए भी, क्योंकि शादियों का सीज़न आ रहा है जिसकी वजह से कुछ न्यू बेडशीट, पिलोज, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो अपने मुझे अपने लिए एक शूज़ लेना है ऑफिस के लिए, तो कुछ है और भी कुछ शॉपिंग्स है जो करनी है। तो फटाफट से मैं रेडी होकर निकली, अभी जस्ट ऑफिस से आई और बिना आराम किए फिर मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए और खुद के लिए शॉपिंग करने। तो फिर चलिए, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो फिर बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं हम सब शॉपिंग करने। मुझे अभी याद है एक बात, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। 10 दिन पहले की बात होगी मेरी, हम लोग आ रहे थे ऑफिस से घर, रास्ते में 9:30 बज रहे होंगे और अचानक से रॉन्ग साइड से 2 बाइक पे लड़के आए और अभी फ़ोन पे बात कर रहे थे और उन्होंने पैकेट में हाथ डाला। उन्हें लगा, चूँकि नॉर्मली जेंट्स लोग अपने पैकेट में मोबाइल फ़ोन कैश वगैरह रखते हैं, बट उस दिन पता नहीं क्या भगवान की दया से वो बात कर रहे थे और हेलमेट पहने हुए थे, 2-व्हीलर पे हम लोग भी थे और चूँकि वो लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरे साइड फेस करके बैठी हुई थी और रात के 9:30-10 सो रहे थे ये, तो अब काफ़ी भीड़ भी था। ऐसा नहीं था कि नहीं यार पूरा सन्नाटा हो गया है, बट ऐसा हुआ कि यार बताओ पटना में ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा कभी पहले नहीं, मतलब पेपर में तो हम लोग पढ़ रहे थे बट ऐसा खुद के साथ हुआ तो ये थोड़ा शॉकिंग था हम लोगों के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये अच्छा नहीं है जो भी है मेरे साथ हुआ, हम लोगों का तो बच गया बट दूसरे दिन ही न्यूज़पेपर में दिया कि तो ऑटो में लड़की जा रही थी तो उसके हाथ से मोबाइल छीन के लेके गए। अगर आप लोग बिहार से हैं, पटना से हैं, तो सेफ्टी के साथ रहिएगा और यही बताना था आप लोगों को। बहुत जेन्युइन आप लोगों के साथ हो, तो फिर इसलिए बताती हूँ, पहले भी बता दूँ इसलिए बताया। चलते हैं आगे। अभी मैं आ गई हूँ जहाँ से मुझे कपड़े और शूज़ की शॉपिंग करनी है, इन शॉर्ट ज्ञान वॉर्ड में, क्योंकि यहाँ पे लगा है सेल और मुझे सस्ता में अच्छा माल खरीदने का बहुत शौक है। तो आ गई हूँ, अभी देखिए, तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं नज़ारा। इसे देखिए, इसे गाड़ियाँ चलाने का इतना शौक है ना, खुद के 2-व्हीलर को छोड़ के देखिए सामने जो 2-व्हीलर रखा हुआ है उस पर चढ़ गया है और अभी से ये किक मारता है पैरों से और स्टार्ट करता है। और अगर सेल्फ स्टार्ट हो और आपने अगर की लगाया हुआ है तो भूल के भी इसको मत छोड़िएगा, नहीं तो ये स्टार्ट कर लेता है, चाबी को घुमा के एक्सीलेटर मारने लगता है। इसको पता है कि गाड़ियाँ कैसे स्टार्ट होती है। देखिए अभी इतना छोटा है, अपना गाड़ी छोड़ के दौड़ के गया वहाँ पे, बाइक पे चढ़ा और देखिए कैसे घुमा रहा है सब चीज़, जैसे मतलब इसको कितना पता है, कोई भी देखेगा अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहेगा ना ये, तो छुप छुप के ये चलाएगा गाड़ी। देखिए कैसे कर रहा है, दूसरों की गाड़ी पे बैठ के देखिए। ओ हीरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखिए हंस रहा है। इसको ना एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है कि इसमें किक कहाँ है, नहीं तो इसके ठीक पहले भी दूसरे के बाइक पे बैठा था और इस पर कंटिन्यू किक मार रहा था कि स्टार्ट हो स्टार्ट हो। देखिए चौराहा पर भजन का कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस अवसर पर उपस्थित हो और भजनों का आनंद लें। जय श्री राम।
पास्ता बनाने की रेसिपी डालने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा से बनाती हूँ रेसिपी। और ये देखिए, सिर्फ एक शिमला मिर्च रेड और एक येलो, थोड़ा सा ब्रोकली और स्वीट कॉर्न, 120 का आया है लिटरली। मतलब क्या बोलूँ, मेरा तो था ही, तो मन महसूस के ले लिया मैंने। और ये देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक फ्लैग लगा हुआ है।